मुरादाबाद महानगर के सिविल लाइन स्थित ग्रीन मीडो स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा सिंह द्वारा किया गया और साथ ही सभी को कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं भी दी गईं। विद्यालय में बच्चों द्वारा झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया। अभिभावकों ने भी इसे देखकर विद्यालय प्रशासन के इस कार्य की जमकर सराहना की। विद्यालय में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, जिन्हें मौजूद सभी लोगों ने जमकर सराहा और कहा कि विद्यालय में हर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिटी चैनल से बात करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा सिंह ने कहा कि विद्यालय में भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों को मनाने का काम किया जाता है। बच्चों को उन त्योहारों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारियां दी जाती हैं। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, राजा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, गीत बिराजेगी। आज हम ग्रीन मीडोज स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बच्चों के साथ मना रहे हैं। आज बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर झांकियां सजाई हैं। बच्चे बाल गोपाल के रूप में, कृष्ण और राधा के रूप में सज के आए हैं और अपने डांस के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। करीब 1500 बच्चों ने भाग लिया है, जूनियर सीनियर इनके दोनों मिला के। क्या उद्देश्य रहता है मैडम ऐसे कार्यक्रम करने का? ऐसे कार्यक्रम करने का हमारा ये उद्देश्य है कि देश में जो सांस्कृतिक भावना है वो बढ़े, भाईचारा बढ़े, बच्चे भी सभी मिलजुल के सभी जो भी हमारे देश का संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल उनको कहना चाहती हूँ कि आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण एक केवल उनको बाल रूप में ना देख के एक बड़े योगी राज के रूप में देखें, क्योंकि श्री कृष्ण जितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, जितने बड़े उनका चरित्र है, उस रूप में देखकर उनका हम सभी उनका जन्मदिन मनाएं।